जेल में जब अंग्रेजों द्वारा मेरे स्तन काटे गए। ये दर्द भरे अल्फाज हैं आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ त्याग देने वाली महान क्रांतिकारी नीरा आर्या के। आज हम आपको बताएंगे अनसुने इतिहास की वो दास्तां जिससे आप अब तक अनजान हैं। उन्हें अपने पति की हत्या करने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने नागिन कहा। आजादी के बाद फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया। अपनी हर एक सांस देश के नाम कर दी। फिर भी हम ऐसी शख्सियत के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आज जानेंगे और देखेंगे कि आजादी की लड़ाई कितनी संघर्ष भरी। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश अनसुना इतिहास। भारतवर्ष की आजादी पूरी दुनिया में सबसे विचित्र प्रकार की। भारत की आजादी के बारे में कही जाने वाली एक बात बड़ी ही आश्चर्यजनक है। इसके लिए कहा जाता है कि बिना खड़क बिना ढाल गांधी तुमने कर दिया कमाल। इसका अर्थ ये हुआ कि बिना किसी हिंसा के गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाकर कमाल कर दिया। लेकिन क्या ये सही है? क्या बिना एक बूंद बहाए गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन मात्र से भारत को आजादी मिली थी? गांधी जी ने तो हमें अहिंसा सिखाई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हिंसा का वो दंश झेला है जिसके बारे में सुनकर हमारी रूह कांप उठेगी। ऐसी एक कहानी है नीरा आर्या की। नीरा आर्या एक महान देशभक्त, क्रांतिकारी, जासूस, संवेदनशील लेखक, जिम्मेदार नागरिक और साहसी और स्वाभिमानी महिला, जिन्हें गर्व और गौरव के साथ याद किया जाता है। हैदराबाद की महिला नीरा आर्या को पैदम्मा कहते थे। नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्राण की रक्षा के लिए सेना में अफसर अपने पति जयशंकर दास की हत्या कर दी थी। मौका देखकर जयशंकर दास ने सुभाष चंद्र बोस पर गोलियां दागी, लेकिन वो गोलियां सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर को जा लगी। लेकिन इस दौरान नीरा आर्या ने अपने पति जयशंकर दास के पेट में खंजर घोंप कर हत्या कर दी और सुभाष बाबू के प्राण की रक्षा की। अपने पति की हत्या करने के कारण सुभाष बाबू ने नीरा आर्या को नागिन कहा। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तो आजाद हिंद फौज के सभी सिपाही बरी कर दिए गए, लेकिन नीरा आर्या को अपने अंग्रेज अफसर पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई और इन्हें घोर यातनाएं दी गई। आजादी के बाद नीरा आर्या ने फूल बेचकर अपना जीवन यापन। नीरा आर्या के भाई वसंत कुमार ने आजादी के बाद सन्यासी बनकर अपना जीवन यापन किया। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका पर नीरा आर्या ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उर्दू लेखिका फराना ताज को नीरा आर्या ने अपने जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए थे। उन प्रसंगों के आधार पर फराना ताज ने एक उपन्यास भी लिखा है। आजादी की जंग में नीरा आर्या के योगदान को रेखांकित किया गया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने काला पानी सजा के दौरान हुए अमानवीय घटना के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब मैं कोलकाता जेल से अंडमान जेल पहुंची थी तो हमारे रहने के स्थान वही कोठरियां थी जिनमें अन्य राजनीतिक अपराधी महिला रहती थी या रह रही थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में यही था कि इस गहरे समंदर और अज्ञात द्वीप में रहते हुए आजादी कैसे मिलेगी, जहां अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे जैसे जमीन पर लेट गई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, लेकिन कंबलों को देख कर संतोष भी आया। अब केवल वहां एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में। सूर्य निकलते ही मुझे खिचड़ी मिली और लोहार भी आ गया। हाथ का सांकल काटते समय चमड़ा भी कट गया, परंतु पैरों में पड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है क्या जो पैर पर मारता है? पैरों पर क्या, मैं तो तेरे दिल पर भी मार दूं, उसने मुझे कहा था। तुम्हारे बंधन में हूं, कर भी क्या सकती हूं? फिर मैंने उसके मुंह पर थूक दिया और बोला, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ में था, उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम सुभाष चंद्र बोस का ठिकाना बता दोगी। भारत के पाठ्य पुस्तकों से पता चलता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र आजादी भारत की आजादी है जिसको बिना खड़ग बिना ढाल यानी कि बिना हिंसा के एक क्रूर हिंसात्मक शासक से प्राप्त किया गया। जबकि अन्य कई इतिहासकारों का कहना है कि लाखों क्रांतिकारियों के प्राणों के बलिदान का परिणाम है भारत की आजादी।
तथ्यों पर ध्यान देने से पता चलता है कि गुलामी काल में जिन्होंने अपने पेट और स्वार्थ की चिंता से दूर होते हुए अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भुला दिया गया है। और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ महलों में लंच या डिनर किया, उनके साथ हवाई जहाज में घूमे। नीरा आर्या के जीवन पर एक मूवी को लेकर खबर कई बार आ चुकी है। ये कहानी नीरा आर्या की है, लेकिन हमारी सरजमी पर ऐसी हजारों कहानियां हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए। ये वो शख्सियत है जिनकी वजह से हम आज आजाद मुल्क में सर उठाकर जी रहे हैं, और इन सबको याद करना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हें भूल जाना इनका अपमान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का अपमान है। नमस्कार।